नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा उम्मीदवार गुरुवार के सुबह 11 बजे रैली निकालकर नामांकन पत्र जमा करेंगे। इस बहाने भाजपा का शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है और जनसभा भी हो रहा है। वाजपेयी मैदान में आयोजित सभा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा शामिल हुए। वही कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली 30 अक्टूबर को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होकर चुनावी सभा लेंगे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा बनाए गए राजनीतिक संगठन जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल धरसीवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं धरसीवा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर अमित बघेल ने कहा है कि पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से कामेश साहू और संजारी बालूद सीट से चंद्रभान साहू, जांजगीर चांपा से बिना साहू और पाली तरखार सीट से शिवरात सिंह पैकरा को प्रत्याशी बनाया गया है। शारदीय नवरात्र पर 9 दिनों तक मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बुधवार देर शाम मां दुर्गा की प्रतिमाओं के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। अलग अलग दुर्गा पूजन समितियों द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विसर्जन के लिए ले गई गई। बताया जा रहा है कि देर रात तक विसर्जन शंकर घाट, शिवधारी तालाब और अन्य तालाबों में किया गया। रायपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक युवक से करीब 7.5 लाख रुपए जब्त कर लिए। ये रुपए पुलिस को स्टेशन पर आने जाने वाले संदिग्ध यात्रियों की चेकिंग के दौरान व्यक्ति के पास से मौजूद बैग से बरामद हुए हैं। युवक रुपयों से संबंधित कोई कागजात या रसीद नहीं दिखा सका, जिसके बाद इसे जब्त कर लिया गया। ये पूरी कार्रवाई RPF और गंज थाना पुलिस ने मिलकर की। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।